एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक मुंडा पांडे स्थित ग्राम सहरिया पड़ा। लगभग 3200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर तो ब्लॉक से 12 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इस गांव के वर्तमान प्रधान अमित कुमार हैं। इस गांव में कुल वोटर धारकों की संख्या 3200 दिखाई दी तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 1900 नजर आती है, तो वहीं विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन सभी धारकों को लाभ मुहैया किया जा रहा है। बात अगर शिक्षा की जाए तो प्राइमरी व जूनियर पाठशाला में लगभग 270 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही ग्राम प्रधान बताते हैं कि गांव में सीसी टाइल्स का निर्माण भी कराया गया है। इसके अलावा गांव को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव में शौचालयों का निर्माण कर वितरण भी किया गया है। ग्रामीणों को वितरित भी किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गांव में आवास विकास योजना के तहत लाभार्थियों को आवासों का निर्माण कर आवंटित भी किए गए हैं। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम प्रधान बहुत अच्छे हैं और सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक कराते हैं और सभी की बातों को सुनते भी हैं। वहीं कैमरे से बात करते हुए ग्राम प्रधान राज्य सरकार व केंद्र सरकार से एक खेल का मैदान व ग्राम सभा में कूड़ा डालने के लिए जगह जैसी सुविधाओं की मांग भी की है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, मेरा गांव सहरिया पड़ता है, ब्लॉक मुंडा पांडे, जनपद मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद। और मैंने अपने गांव में तमामी विकास के ऐसे कार्य कराए जो बहुत ही लंबे समय से जो भी प्रधान है उन्होंने विकास के वो कार्य कभी कराए ही नहीं। मैंने अपने इस 2 साल के कार्यकाल में लगभग 8 रास्तों को ठीक किया है जो कि टाइल्स और नाली के द्वारा मेरे द्वारा बनवाए गए हैं वो रास्ते, और आज भी मेरे द्वारा रास्ते बनवाए की लोग तारीफ करते हैं। मेरे गाँव में एक मुख्य समस्या खेल के मैदान की है। मेरे गांव के तमाम बच्चे ही चाहते हैं कि हमारे लिए खेल का मैदान हो, लेकिन हम चाहते हुए भी उनके लिए कोई खेल का मैदान उपलब्ध नहीं करा रहा है। मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि हमारे गांव में कोई खेल का मैदान हो जिससे बच्चे और जो भी खेलना चाहते हो खिलाड़ी बाहर आए, बच्चे खेलें। और एक बड़ी समस्या हमारे गाँव में ये भी है कि हमारे बहुत ज़्यादा ग्राम सभा की जमीन नहीं है। ग्राम सभा की ज़मीन अगर हमें उपलब्ध हो जाए तो जो लोग घर के पास कूड़ा डाल रहे हैं या करकट डाल रहे हैं वो उस ग्राम सभा में उन्हें पट्टे काट दिए जाएँ ताकि वो अपने गाँव से बाहर कूड़ा डाल सकें। और मेरे यहाँ पानी की निकासी की एक और बड़ी दिक्कत है कि मेरे कच्चा नाला है, बहुत बड़ा जो कच्चा नाला है उसमें पानी अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में उसे पक्का करा दूँ। अगर मुझे सरकार की तरफ से कोई विशेष पैसा दिया जाता है किसी भी किस्त के माध्यम से तो मैं सबसे पहले उस कच्चे नाले को पक्का कराऊँगा जिससे पूरे गाँव की पानी की निकासी की व्यवस्था सुगम रूप से चालू हो सके। और इसके साथ साथ मैंने अपने गाँव में जो कि बहुत ही ख़राब रास्ते थे और आज भी मेरे पास लगभग अभी 5 ऐसे रास्तों की डिमांड है जो कि बहुत ख़राब है। मुझसे पूर्व में जो प्रधान रहे उन्होंने कभी कोई विकास के कार्यों में रुचि नहीं दिखाई। अब सारा ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अब मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ही मेरे यहाँ आंगनबाड़ी के 2 केंद्र हैं, एक केंद्र हमारा सहरिया पश्चिम में है, एक सहरिया पूर्व में है। मेरे आंगनबाड़ी की 3 आशा हैं, एक मैन जो सुपरवाइजर है वो आशु सिंह हैं और मेरे यहाँ BLO भी अपने ठीक ठाक जिम्मेदारी से काम करते हैं। इसके साथ साथ मेरे लिए एक समस्या और थी, स्कूल की तरफ जो कच्चा रास्ता है मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि वो कच्चा रास्ता पक्के में बनवा दिया जाए। और उसके साथ साथ मैंने जो आपको विकास के कार्य बताए हैं, विकास के कार्यों में मेरी सबसे रुचि रहती है। मैंने अपने 2 साल के कार्य में जो कार्य कराए इसके लिए आप गाँव में जहाँ भी चाहें मेरा सर्वे करा सकते हो, सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, जहाँ चाहें रिपोर्ट भेज सकते हैं। मैंने इन विकास के कार्यों को कितनी मेहनत के साथ और कितनी अच्छी तरीके से, ये मैं चाहता हूँ कि आप भी ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट देखें और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मांगें कि हम जितना लोग हम कराते हैं हमारे गांव में प्रधानों के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं कि सर प्रधान पैसे खा रहा है, ये खा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई जाँच कराए या मेरे कोई रिकॉर्ड निकलवाए तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितना बजट था और उससे कितना बढ़ के मैंने काम किया है। और आने वाले 3 साल में ये कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकूँ। धन्यवाद।